वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक कॉम्पैक्ट रीड ओनली मेमोरी सी डी रोम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सी डी रोम. ओके, कॉम्पैक्ट इज रीड ओनली मेमोरी. इट इज स्पेसिफाइड बाई अ फिलिप्स एंड सोनी कॉर्पोरेशन इन 1985. इट वॉज डिजाइन एज द स्टोरेज फॉर्मेट फॉर जनरल कंप्यूटर डेटा एज वेल एज अनकम्प्रेस्ड ऑडियो डेटा. ये जनरल, इससे पहले हमने सी डी डी ए देखा था जिसमें केवल ऑडियो ही स्टोर हो सकता था. इसके बाद सी डी रोम डेवलप किया एज इट इज, जैसे सी डी डी ए डेवलप हुआ था फिलिप्स एंड सोनी कॉरपोरेशन ने किया था, वैसे ही इन्होंने 1985 में सी डी रोम को डेवलप किया. इसमें जनरल जो कंप्यूटर डेटा रहता है किसी भी फॉर्मेट का, ठीक है, और अनकंप्रेस्ड ऑडियो डेटा, ये दोनों स्टोर कर सकते थे. ठीक, आगे देखते हैं. सी डी रोम ट्रैक आर डिवाइडेड इंटू ऑडियो एंड डेटा टाइप्स. जो सी डी रोम का जो ट्रैक है वो ऑडियो और डेटा टाइप्स में के लिए अलग अलग डिवाइड रहता है. इच कैरिंग ओनली वन टाइप्स ऑफ डेटा. ठीक है, डिस्क कंटेनिंग बोथ टाइप्स आर कॉल्ड मिक्स मोड डिस्क. जो डिस्क मिक्स मोड दोनों टाइप के डेटा को कहीं पे भी स्टोर कर सकता है उसको हम बोलते हैं मिक्स मोड डिस्क. डेटा ट्रैक्स आर यूजुअली लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द सी डी रोम. ओके, इसके बाद देखते हैं ब्लॉक. व्हाट इज ब्लॉक? ब्लॉक जो डेटा यूनिट रहता है इट इज कॉल्ड अ ब्लॉक. ठीक है, द लॉजिकल ब्लॉक हैज सिमिलर प्रॉपर्टी टू द सेक्टर ऑफ द अदर मीडिया एंड फाइल सिस्टम. जो सेक्टर जो रहता है, जो उसकी प्रॉपर्टीज रहती है, ठीक है, सेक्टर की जो प्रॉपर्टीज रहती है ना, वो एज इट इज ब्लॉक की भी प्रॉपर्टी रहती है. इट कंसिस्ट ऑफ 2, 3, 5, 2 बाइट्स ऑफ सी डी डी ए ब्लॉक. ठीक है, इसमें टोटल कितने बाइट यूज होते हैं एक ब्लॉक में? 2, 3, 5. ऑडियो डेटा कितना रहता है? 2, 3, 3, 6 बाइट्स. या यूजर डेटा उसमें कितना रह सकता है? 2048 बाइट्स. रिमेनिंग बाइट्स जो रहते हैं, रिमेनिंग बाइट्स आर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेंडम एक्सेस. जो रिमेनिंग बाइट रहते हैं वो हेडर फाइल या एरर डिटेक्शन कोड, इन सब चीज़ों के लिए रहता है जिसके थ्रू हम रेंडम एक्सेस कर सकते हैं किसी डेटा को. ठीक है, इसके बाद देखते हैं 75 ब्लॉक्स पर सेकेंड आर प्लेड बैक. जो एक सेकेंड में 75 ब्लॉक्स प्ले होते हैं. इच कंसिस्टिंग ऑफ 32 फ्रेम. एक ब्लॉक जो है वो 32 फ्रेम कंसिस्ट करता है एंड ईच फ्रेम कंसिस्ट 73.5 बाइट्स. इट इज इक्वल टू द 588 बिट्स. ओके, उसको हम ऐसा कैलकुलेट भी कर सकते हैं. ठीक है, ब्लॉक जैसा हमने सी डी डी ए में देखा था. ठीक है, ये 141120 बिट्स पर सेकेंड है, 75 ब्लॉक्स, ठीक है, पर सेकेंड प्लेड हो रहा है, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 2352 बाइट्स जो हमने यहाँ पे देखा था ऑडियो के लिए. ठीक है, एक ब्लॉक के लिए जितना बाइट्स रहता है उसको हमने कैलकुलेट किया है. इसके बाद हम देखते हैं मोड्स. इसमें जो मोड्स रहते हैं, दो टाइप के मोड ऑपरेट होते हैं, मोड वन एंड मोड टू. मोड इज फॉर कंप्यूटर डेटा एंड मोड टू इज फॉर मीडिया डेटा फॉर ऑडियो और वीडियो. सी डी रोम मोड वन इज स्टोर्ड कंप्यूटर डेटा. द ब्लॉक कंटेन 2048 बाइट्स फॉर इंफॉर्मेशन स्टोरेज आउट ऑफ 2352 बाइट्स. हमने यहाँ पे देखा हुआ था. ठीक है, 2352 बाइट्स था जिसमें से यूजर डेटा कितना था? 2048. ओके, वही हम यहाँ पे भी देख रहे हैं. ठीक है, ब्लॉक कंटेन 2048 बाइट्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, आउट ऑफ 2352. ठीक, 2352 बाइट्स आर स्प्लिट इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. जो 2352, ठीक है, इतने बाइट्स इस जो पोर्शन है इसमें डिवाइड होते हैं, इतने ब्लॉक में डिवाइड होते हैं. ठीक है, जो 12 बिट रहता है वो सिंक्रोनाइजेशन बिट रहता है, 4 बाइट रहता है वो हेडर बाइट रहता है, यूजर डेटा के लिए 2048 बाइट रहता है जैसा हमने यहाँ पे देखा था, एडीसी 4 बाइट जो रहता है, एडीसी एरर डिटेक्शन बाइट रहता है, 8 बाइट ब्लैंक रहता है, 276 इज अ एरर करेक्शन बाइट. ठीक है,
4 बाइट, यहाँ पे हम इसको इंडिविजुअली इसमें से क्या क्या काम करता है वो भी देख सकते हैं। 4 बाइट फॉर सिंक्रोनाइजेशन, दैट इज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द ब्लॉक बिगनिंग। जो 12 बाइट्स रहता है सिंक्रोनाइजेशन का, वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम किसी ब्लॉक का बिगनिंग कहाँ से डिटेक्ट करना है वो इसके थ्रू ही समझ में आता है। ठीक है। 4 बाइट फॉर द हेडर विच कैरी एन अनएम्बिगस स्पेसिफिकेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है। तो इसका फर्स्ट बाइट रहता है वो मिनट स्टोर करता है, सेकंड बाइट सेकंड स्टोर करता है, थर्ड बाइट रहता है ब्लॉक नंबर स्टोर करता है, फोर्थ बाइट जो रहता है स्टोर मोड स्पेसिफिकेशन के लिए रहता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा 2048 बाइट जो रहता है वो यूजर डेटा के लिए, 4 बाइट हमने देखा एरर डिटेक्शन के लिए एज इट इज, 8 अनयूज्ड बाइट रहता है, 276 बाइट जो रहते हैं एरर करेक्शन के लिए रहता है। ठीक है। नाउ कम टू द कैलकुलेशन। सीडी रोम कंटेन 333000 ब्लॉक्स टू बी प्लेड इन 74 मिनट्स। 74 मिनट्स का जो प्लेबैक रहता है उसमें टोटल कितने ब्लॉक प्ले होते हैं। ठीक है। तो हम उसकी कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा इतना बाइट। ठीक है। 681984000 बाइट, इसको हम मेगाबाइट में कन्वर्ट करेंगे तो ये अप्रॉक्स आता है 660 मेगाबाइट्स। ओके। द डेटा रेट इन मोड वन इज, ठीक है, उसका अगर हम उस सीडी रोम का जो रेट है, डेटा रेट कैपेसिटी को हम डेटा रेट को कैलकुलेट करेंगे तो 2048 उसका डेटा हो गया, 75 ब्लॉक्स पर सेकेंड प्ले हो रहा है, तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्स आता है 150 किलोबाइट्स। ठीक है। ऐसे ही हमने अब सीडी जो मोड वन देखा था एज इट इज, मोड टू भी रहता है। मोड वन जो है कंप्यूटर डेटा स्टोर करता है, ठीक है, और मोड टू जो है वो अदर मीडिया को स्टोर करता है लाइक ऑडियो। ठीक है। इसमें भी इसमें केवल इसमें सिर्फ और सिर्फ एरर करेक्शन बिट ही नहीं रहता है। ठीक है। एरर करेक्शन बिट ही बस नहीं रहता है, बाकी सारी रहते हैं, बाकी सिंक्रोनाइजेशन बिट बाइट रहता है, हेडर बाइट रहता है, यूजर डेटा हमने देखा था जो है मोड वन में 2048 था, इसमें यूजर डेटा 2336 रहता है। ठीक है। इसके बाद इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इच ब्लॉक ऑफर 2336 बाइट फॉर इंफॉर्मेशन स्टोरेज, एक्चुअल इंफॉर्मेशन स्टोर कितना होता है इतना। ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन एंड हेडर आर प्रोसेस्ड सेम एज इन मोड वन। ठीक है। जैसा मोड वन में था वैसा यहाँ पे भी रहेगा, एरर करेक्शन नहीं रहता है, तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम इसका कैपेसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है। इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए 2336 को इस ब्लॉक से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इतना बाइट आ जाता है। इसको हम, ठीक है, इसको हम निकाल सकते हैं मेगाबाइट में भी। ठीक है। उसके बाद इसका रेट देखते हैं तो इसको हम 75 ब्लॉक्स जो पर सेकंड प्ले हो रहा है उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा इसका किलोबाइट्स पर सेकंड रेट। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं लॉजिकल डेटा फॉर्मेट। लॉजिकल डेटा फॉर्मेट एक्चुअली क्या है, जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो उसकी इंडेक्सिंग के काम में आता है। ठीक है। इंडेक्सिंग कहाँ से कौन सा डेटा प्ले होना है, ठीक है, उसका ट्रैक को रिकॉर्ड रखना। ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे इन द फर्स्ट ट्रैक, एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड जो है बेसिस ऑन द 9660 स्टैंडर्ड डिस्क्राइबिंग दिस लॉजिकल डेटा फॉर्मेट। ओके। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट 16 बाइट ब्लॉक रहते हैं सेक्टर 0 टू 15 एज द सिस्टम एरिया है। दिस एरिया कैन बी यूज फॉर इंडिकेशन ऑफ प्रोडक्शन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। ओके। स्टार्टिंग एट सेक्टर 16 से अगर स्टार्ट करते हैं, दिस इज अ वॉल्यूम डिस्क्रिप्टर। इच वॉल्यूम डिस्क्रिप्टर इज स्टोर इन ब्लॉक विथ 2048 बाइट्स। अ सीडी रोम कैन इंक्लूड एनी नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्क्रिप्टर। ओके। जो इसकी साइज है, यूजेस लॉजिकल ब्लॉक साइज द पावर ऑफ टू ऑफ एटलीस्ट 5.2 बाइट्स दैट मे नॉट एक्सीड द साइज ऑफ द एक्चुअल ब्लॉक। ओके। नाउ लिमिटेशन ऑफ द सीडी रोम टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द लिमिटेशन। अ रैंडम एक्सेस टाइम ऑफ अबाउट अ सेकेंड टू एन इंडिविजुअल ट्रैक इज मच स्लोअर देन दैट ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क ऑफ द डेटा। जो इसका एक्सेसिंग टाइम रहता है वो थोड़ा सा स्लो रहता है। ठीक है। दिस इज ओके फॉर ऑडियो डेटा, ऑडियो डेटा के लिए ठीक ठाक है। इसका जो कितना स्लो रहता है, लेस देन 6 माइक्रोसेकेंड रहता है। ठीक है। इट इज ड्यू टू सिंक्रोनाइजेशन टाइम,
के लिए है दिक्कत। इसमें क्लॉक फ्रीक्वेंसी सेट करते समय मस्ट बी इन फेज विद दिस सीडी सिग्नल, ठीक है। फ्यू मिली सेकेंड का इसमें भी गैप रहता है, माइक्रो सेकेंड का सॉरी। और रोटेशन डिले जो हमने सीडी डीए में देखा था, कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी जो है ट्रैक की, जो एक ट्रैक को जो रोटेट करता है उसको एक उसकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है उसको मेंटेन करना रहता है आउटसाइड के लिए और इनसाइड के लिए, ठीक है। तो ये जो 530 RPS ऑन द इनसाइड, एंड क्योंकि इनसाइड ट्रैक को जब रीड या राइट करेंगे तो थोड़ा सा स्पीड घूमना चाहिए, और जब आउटसाइड को रोटेट करेंगे, आउटसाइड को रीड या राइट करेंगे तो थोड़ा सा स्लो होना चाहिए, दैट इज 200 RPS ऑन द आउटसाइड, ओके ठीक है। इसमें कॉन्करेंट प्ले बैक ऑफ मोड टू ऑडियो डेटा एंड रिट्रैवल ऑफ मोड वन डेटा इज नॉट पॉसिबल। कॉन्करेंट प्ले बैक ऑफ मोड टू ऑडियो डेटा, ये दोनों एक साथ में पॉसिबल नहीं रहता है, ठीक है। प्ले बैक ऑफ मोड टू ऑडियो डेटा एंड रिट्रैवल ऑफ मोड वन डेटा, ओके थैंक यू।